वैल्यू एडेड मेथड का। पार्ट वन में हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे काम करता है, वहीं से हमें एक आइडिया मिला कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, राइट? ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन को नहीं देखा तो प्लीज पार्ट वन को देखें ताकि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, लास्ट में हमारे पास क्या आया था कि फर्नीचर जो भी मैन्युफैक्चरर था उसने अपने डाइनिंग टेबल की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मांगी थी, 6000। मतलब उसने कहा मेरे आउटपुट की वैल्यू मैं कितना लूंगा, 6000 लूंगा। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट डाइनिंग टेबल, तो जो रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय जो फर्नीचर कंपनी थी वो कितने का था स्टूडेंट्स, 2000 का। मतलब 6000 का उसने आउटपुट बेचा और 2000 का मटेरियल खरीदा। तो स्टूडेंट्स उसका कंट्रीब्यूशन, उसका वैल्यू एडिशन कितना था उस पर्टिकुलर केस में, 4000। तो वहीं से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि वैल्यू एडिशन काम कैसे करता है कि तुमने आउटपुट कितने का बेचा है ना, जो भी तुम्हारा आउटपुट की तुमने वैल्यू मांगी, माइनस में उसको बनाने के लिए तुमने कितने मटेरियल्स को यूज किया, उनकी वैल्यू क्या थी, दैट विल बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सो वन बाय वन समझते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। देखो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना अच्छा पहले एग्जामिनर कि आपको सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा कि जी वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा, नहीं होता ऐसा। तो हो भी सकता है बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला हुआ रहे, लेकिन अगर इन केस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो पहले स्टूडेंट समझते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, इट्स VO, राइट? कई बार लिखा होगा बुक्स में VO, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, अभी हमने कहा फर्नीचर का एग्जाम्पल याद रखो, फर्नीचर कितने का था, 6000 का। तो ये क्या था, फर्नीचर था, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस। स्टूडेंट्स वही वाले एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया था कि हमें इंटरमीडिएट की वैल्यू से मतलब नहीं है, रॉ मटेरियल से क्या मतलब, क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू में रॉ मटेरियल तो अपने आप ही जुड़ा हुआ है। 6000 के फर्नीचर में 2000 का वो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला पार्ट जो था वो तो जोड़ ही रखा था। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है, जो भी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, एक फर्म जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उनकी मार्केट वैल्यू का है। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, लेकिन कब, ड्यूरिंग द ईयर, राइट स्टूडेंट्स? जो भी अकाउंटिंग ईयर में जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो उसकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं, राइट? ठीक है, अकाउंटिंग ईयर आपको सबको पता ही है, तो जो कॉमर्स वाले बहुत अच्छा है उनको पता होगा, जो नहीं है वो समझ ले। इंडिया का अकाउंटिंग ईयर 1st of April टू 31st March होता है। स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कोई भी एक साल का पीरियड, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 1st of April टू 31st March ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूके की, तो यूके का सेम ईयर है, बट यूएसए का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कुछ और है, राइट? वो 1st of January है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर का मतलब एक साल का कोई भी पीरियड जिसमें एक कंपनी, एक कंट्री अपने सारे के सारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का इवेल्युएशन करती है, सो दैट उनको आइडिया लग सके कि उनकी कंट्री या कंपनी की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आपने चार्ज करी वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया एक साल के अंदर। अब स्टूडेंट्स मैंने यही आपसे कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज गिवन ही होगा, हमें कुछ केसेस में गिवन भी होता है, कुछ केसेस में वी नीड टू फाइंड आउट। तो पहली बात समझते हैं केस वन, केस वन हमारे पास कौन सा होता है, सॉरी केस वन होता है इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर जो भी एंटायर आउटपुट जो तुमने बनाया वो सारा तुमने बेच दिया, तो इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म। ठीक है, पहला केस ये हो गया स्टूडेंट्स, जितना फर्म ने बनाया
अपना सारा ही बेच दिया। मतलब अगर एक फर्म ने 100 यूनिट्स को बनाया तो उन्हें 100 की 100 यूनिट्स को बेच दिया। इन सच अ केस स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को आए तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेल हो जाएगा, जो भी तुमने सेल्स करी। जैसे फर्नीचर वाली कंपनी की बात कर लेते हैं, उन्होंने भाई 6000 का फर्नीचर बेचा, तो सेल्स कितने की है 6000 की, आउटपुट की वैल्यू भी कितनी है 6000 की। तो अगर एक फर्म जितना आउटपुट बनाए वो सारा बेच दे, इन सच केस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा स्टूडेंट, सेल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स केस टू की। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अगर मैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस की बात भी करूं तो रियल वर्ल्ड में भी जितना हम आउटपुट बनाते हैं वो सारा हम बेच नहीं पाते हैं। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, जितना भी आउटपुट हम बनाते हैं वो हम सारा बेच नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ आउटपुट रहता है जो फर्म के पास ईयर एंड में बच ही जाता है ना, क्योंकि हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू एंटिसिपेट द फ्यूचर डिमांड्स। हमें तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में इतना ही डिमांड होगा तो उतना ही प्रोड्यूस करे और पिक्चर सारा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट फर्म का जो होता है उनके साथ ईयर एंड में बच जाता है। तो हम उसी केस की बात कर रहे हैं, किस केस की, इफ द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, दैट इज आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड एट ईयर एंड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, के कुछ आउटपुट है जो नहीं बिक पाया और ईयर एंड में हमारे पास बच गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है जो कि मार्कर मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, हमने माना स्टूडेंट्स क्या है, हमने माना कि एक एक्स वाई जेड कोई भी लिमिटेड कंपनी है जो कि क्या करती है, जो कि मार्कर को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 2019 से स्टूडेंट्स 2020 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल लिया अकाउंटिंग ईयर 2019 से 2020 की, सोचो इन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन की, भाई हर साल कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करेंगे, तो हम मान लें कि 2019 से 2020 में स्टूडेंट्स इन्होंने से प्रोडक्शन करी से 1000 यूनिट्स की। ठीक है, तो प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स की हुई। ठीक है, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वो हो गया स्टूडेंट्स 800 यूनिट्स का। प्रोडक्शन कितने की हुई स्टूडेंट्स 1000 यूनिट्स की, सेल्स कितने का हो गया 800 यूनिट्स का। इसका मतलब है इनके पास अनसोल्ड स्टॉक, इसे स्टूडेंट्स इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक या फिर इन्वेंट्री एट द ईयर एंड स्टूडेंट्स कितने की हो गई 200 यूनिट्स की, इजंट इट भाई, 1000 इन्होंने बनाया था और 800 ये बेच पाए, 200 यूनिट इनकी नहीं बिकी, तो ईयर एंड में इनके पास कितना बच गया 200 यूनिट जो है उनका माल बच गया। यहाँ पे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है, उनको तो बहुत अच्छे से एक बात समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉन अकाउंट स्टूडेंट्स हैं, नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं, वो एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, अगर किसी साल के एंड में एक फर्म के पास कुछ आउटपुट बच जाएगा तो ऐसा नहीं वो जाके आग लगा देगी, भैया इसको आग लगा देते चलो बच गया, तो नहीं ऐसा नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है। वो क्या करेंगे, जो आउटपुट तुम्हारा साल के एंड में बच जाता है वो फिर अगले साल बेचेंगे, वो यही तो करेंगे ना, मतलब इस साल जो भी आउटपुट मेरा बिक गया वो बिक गया, जो नहीं बिक पाया वो मैं क्या करूंगा, इसे मैं अगले साल बेचूंगा। आप इसे ऐसे समझो कि मान लो आप एक ट्रेडर जो गारमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, आपका एक रिटेल आउटलेट है जिसमें आप गारमेंट्स बेचते हो, अब अभी जो सीजन है वो समर सीजन है, तो आपके पास समर सीजन की जितनी भी टी शर्ट्स
और लोअर कैपरी शॉर्ट्स जितने भी आप वो ला के रख चुके हो, ठीक है। आपने माल बिकना शुरू किया, जितना माल बिका वो बिक गया, फिर ठंड का टाइम आ गया, विंटर में आप विंटर के जितने भी गारमेंट्स हैं वो लेके आओगे, तो क्या आप अपना जो समर का गारमेंट है उनको जला देते हो, फेंक देते हो? नहीं, आप उसे बचाते हो फॉर द फ्यूचर, के फ्यूचर में जब दोबारा से समर्स आएंगे तब हम उसे बेचेंगे। तो यही चीज स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ध्यान से देखनी है कि उसके पास जो अनसोल्ड स्टॉक था ईयर एंड में वो 200 यूनिट का था 19-20 में, तो मतलब 2020-21 की जब स्टार्टिंग होगी उसकी, मतलब 20-21 फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी, तो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, तो वो इस आउटपुट को क्या करेगा, बेचना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, अब हम आ जाते हैं बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर 2020-2021 की, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले एंट्री, भाई ये तो साल के एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसे हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक जो बच गया इसे हम स्टूडेंट बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे इसको आप, या फिर इन्वेंट्री बोल रहे आप, ठीक है, एट द ईयर एंड, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जो इस साल का क्लोजिंग है स्टूडेंट वो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस साल फर्म ने अभी कुछ नहीं किया, आज पहले दिन आई है, 1st of April है, आके बैठे और बैठ के देखा थी पिछले साल का 200 बचा हुआ, मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री, या फिर स्टूडेंट्स हम इसे क्या कह सकते हैं, स्टॉक। बुक्स में ज्यादातर स्टॉक लिखा होता है, लेकिन आप दोनों नाम याद रखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग कितना हो गया स्टूडेंट्स, 200 यूनिट्स, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना था, 200 यूनिट्स का इनके पास स्टार्टिंग में ही ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं जी प्रोडक्शन, ठीक है, अब ये साल शुरू हुआ है, अफकोर्स साल शुरू हुआ तो क्या करेंगे, साल शुरू हुआ तो बोलो प्रोडक्शन भी डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो मान लो स्टूडेंट्स उन्होंने प्रोडक्शन किया 1500 यूनिट्स का, ठीक है, जैसे पिछले साल उनकी प्रोडक्शन कितने की हुई थी, 1000 यूनिट्स की, इस साल जो स्टूडेंट्स उनकी प्रोडक्शन हुई वो कितने की हुई, 1500 यूनिट्स की, ठीक है। और बात करते हैं इस साल की सेल्स की, इस साल की जो सेल्स स्टूडेंट्स उनकी आई वो कितनी आई, से 900 यूनिट्स की, ठीक है। मतलब उन्होंने जब साल शुरू किया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखते रहे फिगर्स को, जब साल शुरू हुआ तो उनके पास इन्वेंट्री कितने की है, 200 की, प्रोडक्शन कितने की हुई है, 1500 की, और सेल्स कितने की हुई है स्टूडेंट्स, 900 की। तो इस हिसाब से अगर हम इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें, क्लोजिंग स्टॉक निकालें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे इसको, स्टॉक, तो भाई 1500 तो तुमने बनाया, 900 तुमने बेच दिया, मतलब क्लोजिंग कितना आ गया तुम्हारे पास, 600 यूनिट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको यहीं पे एक चीज ध्यान से देखनी है, जो ये 600 यूनिट्स आया है, तुमने बोल तो दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये सारा का सारा 2020-21 का ही है, ध्यान से देखो, क्या ये सारा का सारा जो बच गया वो 2020-21 का ही है, नहीं, क्योंकि ईयर एंड में 200 यूनिट्स तुम्हें कहां से मिले थे, 200 यूनिट्स तुम्हें मिले थे 19-20 के, हम तो बात 2021 की कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि 2021 में जो तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री है वो कितना है। आप इसे ऐसे समझो कि आप अपने मॉर्निंग पे, मॉर्निंग आप अपनी जो भी आपकी शॉप है आप वहां पे गए, आप अपने घर से 1000 रुपीज लेके गए थे कि भाई सुबह सुबह चेंज नहीं होगा तो देना है या कुछ भी है, तो आप 1000 में 10 के नोट, 50 के, 100 के, 500 का नोट, ऐसे करके आप अपने शॉप पे उसे लेके गए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब शाम वापस आप अपना शॉप क्लोज करने जब लगे, तो क्लोज करते वक्त जो टोटल कलेक्शन आपकी दिन की हुई वो हुई थी 12,000, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या आपकी टोटल कलेक्शन 12,000 की उस दिन की, सोच के देखो, लेकिन दिन की शुरुआत में मॉर्निंग के टाइम आप कितना लेके आए थे, 1000 आप लेके आए थे, और एट द टाइम जब आप अपनी शॉप क्लोज कर रहे हो तो कितना है, 12,000। तो इसका मतलब पूरे के पूरे दिन में आपने कितना कमाया, अगर मैं देखूं कि आपकी एग्जिट सेल्स कितनी की स्टूडेंट्स, 12,000 माइनस 1,000, क्योंकि वो 1,000 हम लेके आए थे, तो मतलब पूरे दिन का कितना है, सिर्फ 11,000। सेम विद द फर्म,
फॉर्म 200 तो लेके ही आई थी ऑलरेडी पिछला, तो अगर हम देखेंगे मींस अब हमें निकालना है यहां से चेंज इन स्टॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इन्वेंटरी, है ना। अब चेंज इन स्टॉक का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी, मतलब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ओपनिंग कितना था। तो अगर इसको निकाले तो क्लोजिंग इन्वेंटरी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 600 यूनिट्स की, माइनस शुरुआत में कितना लेके आए थे हम 200 यूनिट्स का। तो मतलब स्टूडेंट्स आपने एडिशन ड्यूरिंग द ईयर जो हमने किया स्टॉक में कितना एडिशन हम कर पाए, दैट इज 400 यूनिट्स का एडिशन हम कर पाए हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम अगर इस केस में आप अगर बात करो कि एक फर्म जो है वो अपना आउटपुट कैसे निकालेगी इस केस में, ठीक है, देखते हैं। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक मिनट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आपने सेल्स करी प्लस कितना आपका चेंज इन स्टॉक आया था स्टूडेंट्स, राइट, कितना आपका चेंज इन स्टॉक आया था। तो स्टूडेंट्स हमने सेल्स कितने की करी है 900 की, ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमारा कितना आया था 400, राइट, 900 और चेंज इन स्टॉक कितना था स्टूडेंट्स 400, कितना हो गया 1300, लेकिन प्रोडक्शन कितने की थी 1500 की, 1500 क्यों थी क्योंकि 200 तो पिछले वाला था। सो दैट इज द आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट स्टूडेंट्स, कब, जब हमारे पास दे रखा होगा चेंज इन स्टॉक। तो इस चीज को हम याद रख रहे हैं स्टूडेंट। एक चीज हमें यहाँ पे और देखते हैं ध्यान से, देखो प्रोडक्शन जो हुई है 1500 यूनिट्स की हुई है, यहीं से एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ क्योंकि हमारे पास हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोडक्शन कितने की, 1500 यूनिट्स की, इस प्रोडक्शन का कुछ एक पार्ट था वो था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन तो स्टूडेंट करी लेकिन जो प्रोडक्शन उसने करी उसमें से कुछ पार्ट वो अपने घर ले गया कि भाई मैं अपने पास लेके जा रहा हूं मुझे चाहिए, ठीक है। तो मान लेते स्टूडेंट्स के वो लेके गया 100 यूनिट्स। बहुत बार क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन करा, स्टूडेंट्स इसकी एंट्री या इसको कंसिडर करना भूल जाते हैं, इसलिए इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है। 1500 की प्रोडक्शन हुई थी जिसमें से 100 यूनिट तो घर पे ले गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं इस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री देखूं तो कितनी आएगी, सोच के देखो, प्रोडक्शन 1500 की हो गई, सेल्स 900 की हो गई, 100 तो वो अपने घर लेके चला गया, तो इसका मतलब क्लोजिंग कितना बचेगा, क्लोजिंग आपके पास बचेगा सिर्फ 500 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों केस समझ में आ रहे हैं, पहले केस में प्रोडक्शन 1500 थी, सेल्स 900 थी, लेकिन घर पे कुछ लेके नहीं गया था इसलिए क्लोजिंग कितनी थी 600। हम वहीं से केस ड्राइव करते हैं कि प्रोडक्शन तुमने 1500 करी लेकिन 100 वो घर ले गया पहले ही अपने, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी अब तो 500 बचेगी, सेल्स 900 ही है, ठीक है, क्योंकि अब कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन 1400 रह गया, तो 900 अगर देखे तो कितना रह गया 500, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम निकालेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंटरी, फॉर्मूला सेम रहेगा, कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कितना है स्टूडेंट्स 500, ओपनिंग तो वही सेम है हमारे पास कितना 200, तो कितना आ गया 300 यूनिट्स, राइट, ठीक है। इस केस में अगर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट देखा जाए हमारे पास, अगर इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू को देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा स्टूडेंट्स, सेल्स कितनी करी तुमने प्लस चेंज इन स्टॉक तुम्हारा कितना है प्लस आपने कुछ पार्ट तो अपने लिए भी कंज्यूम किया, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी तो आपने प्रोडक्शन तो किया ही है ना, आपने चाहे खुद के लिए किया हो लेकिन वैल्यू एडिशन तो हुई है, तो वैल्यू एडिशन तो हुई है ना, तो हमें तो कंसीडर करना ही है। तो सेल्स कितनी स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास 900, चेंज इन स्टॉक कितना आ गया स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास 300 और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कितनी स्टूडेंट्स इस बार 100, तो 900 और 300 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो गया 1200, 1200 प्लस 100 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो गया 1300 यूनिट्स। तो आइदर विच वे आप किसी भी वे से कैलकुलेट करो आपके पास फॉर्मूला जो रहेगा, जो आउटपुट
अल्टीमेटली आना है वो आपके पास सेम ही आना है स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ आउटपुट हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हो केस वन का, ये केस टू है। केस वन में हमारे पास बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी क्योंकि डायरेक्टली हमें सेल्स गिवन थी, तो हमने आउटपुट को सेल्स के बराबर रख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि पूरा आउटपुट नहीं बिक पाता, तो आउटपुट जब पूरा नहीं बिक पाता तो दो फॉर्मूले देखो बहुत ज्यादा जो यूज होंगे वो ये होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाउएवर एक केस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के ये हो, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है। तो हमें हर केस के लिए क्या रहना है, हमें तो हर केस के लिए अलग अलर्ट रहना है, देख ठीक है ध्यान से। अब ये हो गया दूसरा केस। एक केस थर्ड है हमारे पास जिसमें हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड स्टूडेंट्स क्या है, केस थर्ड ये कहता है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा सेल्स रखी हो, व्हाट इफ आपके शॉप पे मैं आऊं आपसे मैं ये पूछूं कि यार तुमने कितना माल बेचा, आपने आउटपुट कितना बेचा, आपने कहा कि देख ऐसा है 300 रुपए का मैंने एक आउटपुट बेचा, 300 रुपए पर आउटपुट को बेचा और मैंने 100 आउटपुट को बेच दिया, 300 रुपए पर आउटपुट को बेचा और टोटल 100 यूनिट्स को बेच दिया, इस वे से भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना आपके आउटपुट के वैल्यू को। सो इसके हम इस तरह कहते हैं, इफ यूनिट्स सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट इज गिवन, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अगर यूनिट सोल्ड गिवन होगा और प्राइस पर यूनिट गिवन होगा तब क्या होगा। इन सच केस अगर हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट को तो कैसे निकाल सकते हैं, तुमने कितनी यूनिट्स बेची, तो यूनिट्स सोल्ड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे स्टूडेंट्स, प्राइस पर यूनिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस पर यूनिट से। तो अगर हमें यूनिट सोल्ड गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गिवन है, तो इन सच केस यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा प्राइस पर यूनिट से, एंड दैट इज द वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इन तीन स्टेप्स को देख करके, तीन केसेस को देख करके हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इस वैल्यू एडेड मेथड के पार्ट थर्ड में हम सीखेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, ठीक है, प्लस ये जो सेल्स की वैल्यू हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सेल्स की वैल्यू, वो सेल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि सेल्स भी ऑब्वियस सी बात है हमेशा इतना इजी नहीं गिवन होगा, इन मेनी सर्कमस्टांसेस सेल्स नहीं गिवन होते। तो पार्ट थर्ड में हम देखेंगे सेल्स कैसे निकालते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, और ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है क्या वो इन्हीं मेथड्स को यूज करके कैलकुलेशन करती है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप इन्हें प्लीज कॉपी कर लें क्योंकि ये आपको बार बार यूज करने हैं, राइट। एक ये हो गया और स्टूडेंट एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया प्रोडक्शन का, सेल्फ कंजम्पशन का। सो ये आपको याद रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सबसे ज्यादा ये यूज होता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में हमारे पास वो भी आ जाता है और कुछ केसेस में हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला है जो कि होता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स वो बहुत मुश्किल है कभी गिवन हो, क्योंकि वो तो फिर आपको सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख के दे देंगे, जब आपको कभी ऐसा होगा कि ये दे दिया कहेंगे ये निकाल लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये कह देंगे कि ये दे रखा है तो ये निकाल लो, उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको मोस्टली दे ही देंगे, ठीक है।